हसन खां मेवाती मेवात रियासत के लास्ट रूलर थे। 1500 सेंचुरी में हसन खां मेवाती ने बाला किला बनवाया था, जिसे अलवर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हसन खां मेवाती राजा नाहर खां मेवाती के वंशज थे। राजा नाहर खां मेवाती वही थे जिन्होंने 1400 सेंचुरी में मेवात रियासत की बुनियाद रखी। हसन खां मेवाती के जमाने में मेवात की सालाना आय 4 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। वो जमाना मेवात का गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। 1526 में जब मुगल बादशाह बाबर भारत आए तो राजा हसन खां मेवाती ने बादशाह बाबर को खुलेआम चैलेंज कर दिया और बादशाह इब्राहिम लोधी समेत अपने बहादुर मेवाती और सैनिकों के साथ बाबर से लड़ पड़े, जो कि इतिहास में पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जानी जाती है। इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और राजा हसन खां मेवाती के बेटे को पकड़ लिया। अब बादशाह बाबर को हिंदुस्तान पर सल्तनत बनाने के लिए हिंदुस्तान की 2 ताकतवर कौमों से टकराना था, एक मेवाड़ के राजा राणा सांगा और उनके राजपूतों की कौम जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, और दूसरी थी राजा हसन खां मेवाती और उनके मेव कौम। दोस्तों, मैं हमारे अपने चैनल के थ्रू हमारे इतिहास को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमें सब्सक्राइब के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक लाइक हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट